प्रीता रोएगी अर्जुन के लिए और अर्जुन की हो गई मौत। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब शादी के मंडप में प्रीता और अर्जुन शादी के साथ फेरे लेने के लिए खड़े होंगे, तभी अंजलि के कहने के अनुसार पृथ्वी सारे गुंडों को लेकर प्रीता अर्जुन की शादी को रोकने के लिए आ जाएगा, जिसे देखकर प्रीता अर्जुन और ऋषभ को काफी बड़ा शौक लगेगा और आखिर में मय सुथरा को कहेगी कि ये लोग यहाँ पर फिर से वापस कैसे आ गए, इनको बाहर किसने निकाला और इनके हाथों में गन्स कैसे आई। यह सुनकर तभी अर्जुन और ऋषभ सबको रोकने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त पृथ्वी सभी को जान से मारने की धमकी देगा और कहेगा कि सब लोग अपनी जगह पे ही खड़े रहे, हम पहले तो यहाँ पर सिर्फ चोरी करने के लिए ही आए थे, लेकिन अब किसी ने भी और चालाकी की तो यहाँ पर इस शादी में जितने भी लोग मौजूद है उनमें से कोई नहीं बचेगा। यह सुनकर तभी अर्जुन के होश उड़ जाएंगे और लेकिन उसी वक्त जब गुंडों को रोकने के लिए जब दादी और कृतिका एंड करीना बुआ सभी गुंडों पर हमला कर देंगे, तभी उसे मौके का फायदा उठाकर अंजलि प्रीता को जान से मारने के लिए किसी को भी पता ना चले ऐसे प्रीता के सामने आ जाएगी और प्रीता को दिखाई ना दे इस तरह अंजलि पोजीशन लेके प्रीता पर गोली चला देगी। लेकिन तभी अर्जुन अंजलि को देख लेगा और प्रीता की जान बचाने के लिए अर्जुन प्रीता को जोर से धक्का मार देगा और अंजलि की चलाई हुई गोली अर्जुन को लग जाएगी, जिसे देखकर खुद अंजलि और प्रीता के होश उड़ जाएंगे और इसी वजह से जब अर्जुन जमीन पर गिरा होगा तभी प्रीता अर्जुन को जोर से करंट पुकारेगी, जिसे सुनकर अर्जुन तड़पते हुए प्रीता का हाथ थाम लेगा और प्रीता को कहेगा प्रीता एक काम करोगे, जिसे सुनकर प्रीता कहेगी क्या, तभी अर्जुन प्रीता को कहेगा मुझे कमरे में ले चलो। यह सुनकर प्रीता अर्जुन को तड़पते हुए कमरे में ले जाएगी और अर्जुन को बेड पर लिटा देगी, तभी अर्जुन तड़पते हुए प्रीता को कहेगा कि प्रीता मैं अपनी जान जाने से पहले तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रीता अचानक से रोती हुई कहेगी क्या, तुम अभी इस टाइम बकवास करना बंद कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सुनकर अर्जुन कुछ भी बोले बिना अपनी आखिरी गहरी सांसें लेते हुए कहेगा कि आई लव यू, जिसे सुनकर प्रीता रोती हुई कहेगी हाँ मैं समझ गई, तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो मेरी भी बात सुन लो अर्जुन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना अब मैं जी नहीं सकती। यह सुनकर अर्जुन हल्का सा खुश होते हुए स्माइल करेगा, लेकिन प्रीता तभी अर्जुन की जान बचाने के लिए दौड़ते हुए पूरे परिवार के पास जाएगी और ऋषभ महेशुत्रा राखी माँ को कहेगी कि अर्जुन को सीने पर गोली लगी है, उसको जल्द से जल्द अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा, उसकी जान पर खतरा है। तभी यह सुनकर ऋषभ जोर से अर्जुन चिल्लाते हुए अर्जुन के पास जाएगा और राखी माँ महेशुत्रा शौक के मारे दौड़ती हुई अर्जुन के पास आएगी, जहाँ पर जब ऋषभ अर्जुन को तड़पता हुआ देखेगा और अर्जुन को कहेगा कि मेरे छोटे भाई तुझे क्या हुआ, ये गोली तुझे कैसे लगी और ये गोली किसने मारी है, मुझे बस उसका नाम बताओ। तभी यह सुनकर अर्जुन कहेगा अरे जाने भी दे भाई, यह सुनकर ऋषभ कहेगा ऐसे कैसे जाने दो, लेकिन तभी राखी माँ जब रोती हुई कहेगी कि पहले अर्जुन की कैसे भी करके जान बचाओ, अर्जुन को हॉस्पिटल ले चलो, तभी यह सुनकर ऋषभ अर्जुन को अपनी गोद में उठा लेगा और अपनी कार में बिठाकर अर्जुन को हॉस्पिटल ले जाएगा और कार में बैठे बैठे ऋषभ अर्जुन को कहेगा कि मेरे छोटे भाई तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं, इसलिए तू अपनी आंखें बस खुली रखना। यह सुनकर तभी जब अर्जुन तड़पते हुए कहेगा कि ऋषभ मेरे बड़े भाई, मैंने तेरे साथ अब तक जो कुछ भी बुरा किया था उसके लिए मुझे माफ कर देना, जिसे सुनकर ऋषभ अचानक से बहुत ज्यादा रो पड़ेगा और अर्जुन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ऋषभ की बाहों में ही दम तोड़ देगा। और लेकिन अर्जुन की मौत हो जाएगी तो आपको कैसा लगेगा, और आप अर्जुन को जाते हुए और कुंडली भाग्य छोड़ते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और पुराने वाले करण की वापसी होनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कॉमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।